आज मैं प्रस्तुत करिया को जाऊँ मकर संक्रांति स्पेशल मकर चाउला। यहाँ खाइबा को बहुत ही भल लगे और बनवा बहुत इजी, बहुत ही अल्प समय रे बनी जाए। मकर संक्रांति रे ओडिसा समस्त घरे मकर चाउल बनी थाए। आउ मो एथरे किछि सिंपल जिनस यूज करिछि जोटा कि मकर चाउल को बहुत ही टेस्टी करै थाए। से लगे वीडियो रे एंड पर्यंत देखंतु, आपनको वीडियो टी निश्चय भल लागबो। जदि आपनको ए रेसिपी भल लागि थाए आउ आपन पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करनाहांति, तळे थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके निश्चय सब्सक्राइब करनियंतु एवं ता पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दिंतु, जहाद्वारा मोर सब न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन आप खूब शीघ्र पाई। गोटे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करंतु। हेले चालंतु देखिनबा मकर चावल रो प्रस्तुति प्रणाली। मकर चावल प्रस्तुत करिया आमको यही सब जिनस दरकार। प्रथम आमको मेन जिनस हला चावल दरकार, जेहेतु मकर चावल से लगे आमको चावल मेन दरकार। मुझे खीरी चावल नहीं, जोटा कि साना दाना थे बासना भी थी, से चावल नहीं भल भाव धोईकी दुई रु तीन घंटा बतुरी नहीं भल भाव बतुरी छाणी। छाणिकी मु 10 रु 15 मिनिट से स्टेनर ही रखिदी। तापर ये मुझे फ्रेश नड़िया कोरा नहीं, अधा लिटर क्षीर घरे ही छेना प्रस्तुत करी, अधा लिटर क्षीर रे छेना प्रस्तुत कर देखो। छेना पकेले बहुत ही बढ़िया लगे खाया को। ये किसी फ्रूट्स भितर मुझे आपल को एमती काटिकी नहीं, अंगूर को किसी काटिकी नहीं, किसी डालिंब को तार मंजी छड़ेकी नहीं, कदमी को एमती छोट छोट पीस करके काटिकी नहीं। मुझे कदमी को चकटिकी पकईबी, कदमी को एमती छोट छोट पीस करके काटिकी नहीं। कहीं एमती करीडियो देखने जापर मुझे यही सब फ्रूट्स नहीं आपको यही फ्रूट्स ही नाक पड़ो। आपण को पसंद आपको जो फ्रूट्स भल लगे आपण जहाँ एभेलेबल थी आप फ्रूट्स पकई पारे। ये ड्राई फ्रूट्स मुझे काजू को भाजिकी नहीं, किसी किसमिश नहीं। आदि पूजा यूज करमाल काजू किसमिश पकई पारे, ना आलमंड पकई पारे, ना ड्राई फ्रूट्स फुल स्किप भी करें। स्वाद अनुसार आम चीनी दरकार, क्या कमी मीठा दरकार से अनुसार आम चीनी नहीं। 8 रु 10 गोलमरीच दुईटा गुजराती को मुझे गुंड करके नहीं, फ्रेश गुंड करके नहीं, आगुरी गुंड करके रखी थी से यूज कर फ्रेश गुंड करके नहीं। गोटे सान चामच गुआ घी नहीं, गोटे इंच अदा को एमती ग्रेट करके नहीं, आप चाहिए छेचिकी भी नहीं पारे। 2 रु 3 चमच आमको महु दरकार, महु नहीं। मुझे क्षीर नहीं, एमती नहीं आपण को मेजरमेंट दरकार। आपणकर जितनी क्वांटिटी करेंगे आपण फैमिली मेंबर अनुसार आपण देखिकी जार क्वांटिटी बढ़ई पारे कमे पारे। एमती नहीं आपको ये मेजरमेंट दरकार हम। देखो चाउल को भल भाव स्टेनर में 10 रु 15 मिनिट रखी सारापर तार एक्सेस वाटरटा चलीगला, ये किसी भी पा ना। तापर आम कौन करवा गोटे सान ग्राइंडिंग जार नबा, ग्राइंडिंग जार नहीं कि चाउल को ग्राइंड करवा। चाउल को केते बेले भी फुल स्पीड रे ग्राइंड करेंगे नहीं, कहीं फुल स्पीड रे ग्राइंड कर करदे जदि से चूना हो लगे जिते ग्राइंडर में रखे से कौन करेंगे जो फास्ट स्पीडा थाए एक नंबर स्पीडा थाए से अन ऑफ करिकी 4-5 थर करदे यहाँ एमती सुजी दाना भाया आम ग्राइंड हम। देखो सुजी दाना भाया ग्राइंड हो पूरा पाउडर हो गले जमार भल लगे ना। देखो सुजी दाना भाया हो नर्माली आम जिते बड़े मकर चाउल हुए घर मानक चाउल को हेमदस्तार कुटिकी करती हेमदस्ता आम घर हेमदस्ता कहते कत जगह कुटनी कहती से हेमदस्तार कुटिकी करती आम चाउल हो गल ए चलतु आम मकर चाउल प्रस्तुत करवा। मकर चाउल प्रस्तुत करने मुझे गोटे एमती बाउलटे नहीं आम ग्राइंड करके रखी चाउल को पकई ना। जेहेतु मकर चाउल ये चाउल तो स्किप कर हेबनी, चाउल जमती है ने टे बासनवाला सान दाना बाला चाउल ने खीरी चाउल ये नहीं। तापर फ्रेश नड़िया कोरा ना, कि नड़िया कोरा पक छेना मुझे घरे प्रस्तुत करी से छेना को पकई ना। कदमी पकईदे मुझे कदमी को एमती छोट छोट पीस करके पकई जमार चकटिकी पकईनी। आपड़ जदि सांगे सांगे खाइबे आपण कदमी चकटिकी पकई पारे, किंतु जदि कदमी चकटिकी ये मकर चाउल करवा बेसी समय रखिले से कला पड़ जाए, कदमी टेस्ट एत रहे से लगे मुझे एम गोटा गोटा करके पकई। तापर आम कौन करवा कि अंगूर किसी आपल कि डालिंब को पकई ना,
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇବେ। କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇ ନେବା। କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି। କାଜୁକୁ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଇଛି କାହିଁକିନା କ୍ରଞ୍ଚି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କାଜୁକୁ ଏମିତି ଭାଜିକି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ, ଅଦାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଅଦା ପକାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସେ। 8-10 ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 2 ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏଇଟା ମୁଁ ପକାଇଛି। ଆଗର ପୁରୁଣା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିନି, ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁଣ୍ଡର ବାସ୍ନା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନି ପକାଇ ନେବେ। ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ। ଏଇଥିରେ ମକା ଚାଉଳ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। 2-3 ଚାମଚ ମୁଁ ମହୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ମହୁ, ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଅଦା ଯେଉଁ ଆମେ ପକାଇଛେ ଏଇଟା ମକର ଚାଉଳକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ପକାଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ପକାଇକି ଏଇଟାକୁ ଚକଟିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଶୁଖା ଶୁଖା ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଟିକିଏ ପାଣିଆ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଖୁ ଅଛି ଆପଣ ଆଖୁ ବି ପକାଇବେ। ଜେନେରାଲି ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଖୁ ପକା ହେଇଥାଏ। ଆଖୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଆଖୁ ପକା ହେଇଥାଏ। ସଫା ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚକଟି ନେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଦରକାର ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୋତେ ଟିକିଏ ପାଣିଆ ଦରକାର ଥିଲା ସେଲାଗି ମୁଁ କ୍ଷୀର ପକାଇ ନେଇଛି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ମକର ଚାଉଳ। ଖାଇବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇ ମକର ଚାଉଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଟିକିଏ ମୁଁ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ଟିକିଏ ସଜାଇ ନେଉଛି ଆଉ ଟିକିଏ କାଜୁକୁ ବି ସଜାଇ ନେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ଥରେ ମକର ଚାଉଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।